भाई यहाँ से मेट्रो से उतर कर ये बिरयानी है बहुत बढ़िया दिया भाई ने, हो सके तो यहाँ से आप खा लेना, जूस वगैरह की सुविधा आपको यहाँ से मिल जाएगी। देख सकते हो गेट नंबर 2 है ये, यहीं से आपको ऑटो मिल जाएगा। और मैं एक बात बताऊँ, आपसे 80 रुपये मांगेंगे पर्सनली के, 20 रुपये मांगे, 15 रुपये लगते हैं, मतलब 15 रुपये देना और आराम से आपको डायरेक्ट वहाँ तक उतार देगा ये। फाइनली भाई इतनी धूप में मर के बाद पहुँच गए हैं लगभग, समझ लो बस अभी बस पहुँचने वाले हैं। इतनी धूप है ना, शेयरिंग ऑटो करके आए हैं, बहुत धूप है, बहुत धूप, पर यह है कि पानी में जाने के बाद ना मज़ा आ जाएगा। कैसा ये वाटर पार्क दिखाते हैं आपको, उसके बाद रिव्यू देते हैं। अरे वो फरीदाबाद में, फरीदाबाद में ये तो ये है टिकट काउंटर, चाइल्ड का यहाँ पर 3 फीट से कम का फ्री है और चाइल्ड अगर है 4 फीट से ऊपर का तो 550, अडल्ट जो है 750 और सीनियर सिटीजन 550। कॉस्ट्यूम काउंटर भाई देखो ये है, और कॉस्ट्यूम का प्राइस आपने यहाँ पर देखा होगा, ये लिखा हुआ है ये। और आपको रिटर्न जो करना है ना यहाँ पे करना है कॉस्ट्यूम, लॉकर वगैरह यहाँ पर है आपका, जो भी आपका लॉकर है उसके नंबर पे आपको टिकट मिलेगी। भाई लॉकर में सामान रख लिया है, लॉकर यहाँ पे आपको 100 रुपये का पड़ेगा और 100 रुपये आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। देख सकते हो कुछ ऐसा पूल है यहाँ का फन का, यहाँ पे जो वेव आती है इसमें आती है, बाकी ये धीरे धीरे करके सब दिखाता हूँ आपको, अम्यूजमेंट पार्क, झूला। तो मेरा ये कहना है आप अपने कपड़े ला सकते हो आराम से, और यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नायलॉन और लाइक्रा ही चलेगा, आप यहाँ पे कुछ भी ला सकते हो। और एक बात और, यहाँ पे ना कपड़े का रेट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत कम कम है, 50 रुपये चार्ज लड़के का है, लोअर का, टी शर्ट का, लेडीज का 100 रुपये बस, नॉर्मल वाले का। हाँ देख सकते हो भीड़ यहाँ पर कैसी है भाई, यहाँ का बिल्कुल गहरा है, देख सकते हो बहुत। तो भाई इस गोल वाली में जाने वाले हैं, सबसे पहले जाएगा कौन, मैं, तू जाएगा, और वहाँ चालू कर लियो। साइड ट्राई करने वाला हूँ, देखते कितना मजा आएगा, वैसे तो बाकी सारे वाटर पार्क में बहुत सारी है ये। चलो भाई साहब चल। अब ये वाली ट्राई करेंगे भाई, वो तो निकल चुका, हम देखते हैं हमारा कैसा जाता है। खड़े होके चले जा भाई। जो जो पहली पहली बार जा रहा है भाई वो मेरे साथ बोलो, हे ऊपर वाले हम तेरी शरण में आ रहे हैं, सुरंग मेरी शरण में। भाई सारी वीडियो आई की देख लेना तुम, तुम ब्लॉग पे चले भाई, सीटी तो बजा दो एक बार तो बजा दो, चलो। ये श्री राम, मैं आ रहा हूँ और ये मैं स्पीड में गया। भाई
तो भाई ये न्यू झरना बनने वाला है, इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी रेडी नहीं हुआ है, ये मेरे ख्याल से एक महीने या कुछ हफ्तों में चालू हो जाएगा। बाकी यहाँ के जितने भी स्लाइड है ना सब चालू है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अम्यूजमेंट पार्क भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई फूड का जो प्राइस है ना आप ये देख सकते हो, यही है भाई, ये क्वान्टिटी देख सकते हो आप, 100 रुपये प्लेट, 100 रुपये ये वाला प्लेट देख सकते हो, छोला और कितना है, मेरा हाथ इतना बड़ा है। अभी भाई खाना वाना सब एकदम कम्प्लीट, अब चल रहा हूँ आपको अम्यूजमेंट पार्क दिखाने, जो कि अब खुल चुका है अम्यूजमेंट पार्क। तो सबसे पहले हम गाड़ी चलाने जाएंगे, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, वो अभी ऑन नहीं है, बाकी जो ऑन है। आज तू पीछे बैठेगा तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। हाँ आज तो तू आज एकदम पायलट बन जाएगा तू। भाई खाना खाने के बाद ये झूला मत झूलना गलती से भी, अगर झूलना हो तो खाना मत खाना उसके झूलने के बाद खाना। और देख सकते हो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों वाले झूले हैं, बड़ों के लिए तो बहुत कम ही झूले हैं। आज दिनेश गाड़ी चलाएगा भाई, बड़ा डर लग रहा है मुझे आज। यहाँ पे महिलाएं भी गाड़ी चला रही हैं, बिना लाइसेंस लिए आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। अरे ये चलान कटेगा सबका, सबका चलान कटेगा। सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी का? आंटी जी ऐसे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा आपकी लड़की को। ऐसे तो भाई मैं लाइसेंस नहीं दूंगा, पता पीछे लगाया पड़ा। ओफो इसमें पावर स्टेयरिंग नहीं है, कंपनी ने अच्छी गाड़ी नहीं बनाई है। तुम्हारे पास दोबारा आएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं हमने पायलट चेंज कर लिया। चल गई। हम भाई सबसे पीछे बैठेंगे क्योंकि स्कूल में भी पीछे ही बैठा करते थे। बैक बेंचर्स। मैं जाऊंगा थाईलैंड, मैं भी जाऊंगा, वहां से लूंगा स्पा। पीछे बैठने वाले हमेशा सबसे आगे जाते हैं क्योंकि पीछे बैठने वाला आगे सबको ऑब्जर्व करता है, वो क्या कर रहा है। आगे निकलने के लिए भाई हमें अपने से आगे वालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आगे वाला क्या स्टेप ले रहा है। भाई टिकट कितने की है और कहाँ जाएगी है? भैया ये तो यही वापिस आ गए हम। अरे अरे रशियन दिख गई भैया, फोटो शूट। मैडम जरा चश्मा हटावा। अरे पटरी आवाज कर रही है भैया, लग रहा है भाई पटरी आवाज। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख कर रही है। ग्लाइड फ्लाइट में बैठ चुके हम लोग भाई, मुझे लगता है ना मैं काला हो जाऊंगा साला, इसी धूप में वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। यार लाइक कर दो यार, बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो, जो देख रहा है करता नहीं है। सलमान खान आ रहा कम से कम। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान भाई जान ने पबजी कर दिया। भाई जान काला हिरन, भाई जान क्या हाल है? वो भाई ये ऊपर जा रहा हूँ मैं आसमान में, ये नीचे क्यों आ रहा हूँ? अरे जहाज में टर्बुलेंस आ रहा है, अपनी अपनी सीट की पेटी बांध के रखे, कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है भाई, अपनी पेटी बांध के रखना। 100-200 और ले ले लैंड करा दे। अरे भाई लैंड करा दे यार। अरे भाई भाई तो भाई मेट्रो से उतर के ना जब आप ऑटो लोगे ना तो आप इस वाले रोड से आना, ठीक है? आपको साइड में यहाँ पर दिख जाएगा फन मैक्स करके, ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है फन मैक्स करके, और इससे आप यहाँ सीधा अंदर जाओगे, वो लिखा फन मैक्स देख सकते हो, सीधा आपको अंदर जाना है। आपको कार की पार्किंग और बाइक की पार्किंग दोनों मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें ना पार करके जाना है उस पार ऑटो लेने, जो हमें मेट्रो पे छोड़ेगा। कौन सा मेट्रो? तो यहाँ का सबसे पास वाला जो मेट्रो स्टेशन है ना वो राजा नहार सिंह है, वहाँ से आपको 15 रुपये का ऑटो मिलेगा, यहाँ पर आपको छोड़ देगा, ठीक है? अब यहीं से आपको वापस जाना है राजा नहार सिंह वाले पे। तो भाई अब कर लेते हैं रिव्यू की बात कि आपको इस वाटर पार्क में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये वाटर पार्क पड़ता है फरीदाबाद में, इसका सबसे पास मेट्रो स्टेशन जो है वो राजा नहार सिंह। जब वहां से आप स्टेशन से उतरोगे तो गेट नंबर 2 से आपको ऑटो मिल जाएगा। किसी से ये मत पूछना कि भाई मुझे फन मैक्स वाटर पार्क जाना है, नहीं तो आपसे 100-200 रुपये ऐसे लेंगे। आपको कहना है कि मुझे सेखरी जाना है। सेखरी बोलोगे तो वहाँ के लोकल लोग समझ जाएंगे, और वैसे भी बहुत से लोगों को वहाँ नहीं पता कि फन मैक्स कहाँ है, और जिनको पता है वो आपसे ज्यादा पैसे मांगेंगे क्योंकि आप बहुत दूर से आए हो, आपको यहाँ का पता नहीं है। और अपने फोन में ना मैप लगा लेना, जैसे वाटर पार्क आने वाला होगा और ऑटो वाले को बोल देना कि हाँ मुझे यहीं उतार दो, और सामने ही आपको रोड के बगल में फन मैक्स लिखा हुआ दिख जाएगा। तो भाई दिल्ली से हो तो ये वाटर पार्क बहुत ज्यादा दूर है, 52 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे वाटर पार्क है, वाव है, अटलांटिक है, ड्रिजलिंग लैंड है, स्प्लैश है, बहुत सारे ऐसे वाटर पार्क है, आप उसके अंदर
जा सकते हो। तो मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ ये वाटर पार्क जो फरीदाबाद के आसपास रहते हैं, राजा नहार सिंह जो मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर आराम से जा सकते हैं और उनके लिए सबसे बढ़िया वाटर पार्क होगा। बाकी मैं बात करूं कि अगर दिल्ली के वाटर पार्क से कंपेयर करूं वहां का, तो भाई दिल्ली का वाटर पार्क सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा अच्छा है हर मामले में। प्राइस के मामले में भी अच्छा है, साफ सफाई के मामले में भी अच्छा है। यहाँ दिल्ली के अंदर आपको जो वाटर पार्क है उसमें बहुत अच्छी अच्छी राइड मिलेगी। फनमैक्स में भी राइड थी पर इतनी नहीं थी। बाकी मैं एक बात और बताऊंगा, वो जो वाटर पार्क है अगर आप फरीदाबाद के आसपास के हो वो प्राइस के हिसाब से एकदम सही है, 750 रुपए में। खाना वगैरह सब वहां पर इतना बजट में था, कोई ओवर प्राइस नहीं था खाने का। ड्रेस भी सही था, लॉकर का 100 रुपए था, ड्रेस का 50 रुपए और लेडीज का 100 रुपए ड्रेस, मतलब सही था। दिल्ली के अंदर जो वाटर पार्क है उनके भाई खाना वगैरह बहुत ज्यादा महंगा है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं ये वाटर पार्क खराब नहीं है, अगर आपके ये पास में पड़ता है फनमैक्स तो आप जरूर इसमें जा सकते हो। बाकी दिल्ली से वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको गया था कि फनमैक्स वाटर पार्क फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद से या जो भी हरियाणा की तरफ से मुझे मेरी ये वीडियो देख रहा है वो नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में नीचे बता देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।